अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ, तो सबसे पहले तो गुड लक अगेन। आपका 10 मिनट तक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ रोज़ आपको बताई जाती थी, अगेन आपको वो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि फ्रॉम मंडे आफ्टर टुमारो, सोमवार वाले दिन 4 नवंबर 2019 को परसों हम लोग 9th का सेशन स्टार्ट करें। जैसे आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का लाइव सेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरी राइट साइड पे आपको सारी फैकल्टी भी 9th क्लास की नज़र आ रही है, जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हर चीज़ पढ़ाएंगे। हाँ, एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों के माइंड में ये होगा कि लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से सिलेबस होगा, पता नहीं टाइमली सिलेबस खत्म होगा या नहीं होगा। तो बेटा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका टाइमली सिलेबस भी कम्प्लीट करवाना है और आपको 100% की तरफ भी लेके जाना है। आपको ना कि सिर्फ यहाँ पर लेक्चर्स दिए जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये चीज़ भी बताई जाएगी कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन, मतलब बोर्ड के पेपर में नंबर कैसे गेन करने हैं, कैसे 100% नंबर की तरफ जाया जा सकता है। हर कोई 100% ले सकता है जो कि पढ़ना जानता हो। तो मेरा बेटा, फ्रॉम मंडे आपका कोई छोटा भाई, बहन, रिलेटिव, फ्रेंड या कोई भी है, आप उसको ये चीज़ बता सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आपने campus.pk पे जाके लॉगिन किया था, ऐसे अगेन आप अपने campus.pk पे जाके लॉगिन करना है। सिर्फ फर्स्ट ईयर की जगह वहाँ पे 9th का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। और अब बात करते हैं, अब राइट साइड पे अगेन मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपके पास फैकल्टी की पूरी प्रोफाइल नज़र आ रही होगी आपको, तो ये आप लोग देख भी सकते हैं। हो सकता है कुछ जानी पहचानी शक्लें भी आपको नजर आएं। और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप YouTube पे हैं तो मेरा बेटा campus.pk पे आके लॉगिन करें, और ड्यूरिंग द टेस्ट अगर आपने पेज को रिफ्रेश किया और चीटिंग करने के लिए या वैसे किसी भी सूरत में टैब को चेंज करने की कोशिश की, तो आपका टेस्ट गायब हो जाएगा, आपको टेस्ट शो नहीं होगा। अगेन बार बार में मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप YouTube पे लॉगिन है तो आगे अगेन दोबारा आके campus.pk पे आके लॉगिन हो जाएं। अगर आप campus.pk पे लॉगिन नहीं होंगे, आपको टेस्ट शो नहीं होगा। दो चीज़ें, अगर आप अपना टैब चेंज कर रहे हैं या फिर आप बार बार या YouTube पे हैं, तो आपको campus.pk पे सिर्फ टेस्ट शो होगा, YouTube पे टेस्ट शो नहीं होगा। तो गुड लक अगेन, 5 मिनट तक आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को कल भी मैंने ये की पॉइंट में ये चीज़ बताई थी कि अपना रफ रजिस्टर और पेन और कैलकुलेटर अपने पास रखें। दोबारा से फिर, अगर आप पेज रिफ्रेश करेंगे या फिर टैब चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका टेस्ट गायब हो जाएगा, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेटा, आपके पास 20 MCQs हैं, 10 मिनट का टाइम होगा और आपने विद इन टाइम वो टेस्ट कंप्लीट करना होगा। और होपफुली जैसे ही आप 20 नंबर लेंगे, इंशाल्लाह आपके एड्रेस पे, आप यहाँ के हमारे ऑफिस में हमसे आके मिल के अपना गिफ्ट लेना चाहते हैं, ये दोनों ऑप्शन आपके पास होंगी। और मैं तो यही चाह रहा हूँ कि सारे के सारे बच्चे ही पूरे के पूरे नंबर लें, ताकि सबके पास हमारी तरफ से एक गिफ्ट चला जाए। अगेन दोबारा जो पहली वाली अनाउंसमेंट थी, अगेन कर देते हैं कि मेरा बेटा मंडे से 9th क्लास का लाइव सेशन चल रहा है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए सेशन चल रहे थे। और आप लोगों ने दोबारा, मैं बार बार यही इंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आपने पेज रिफ्रेश नहीं करना और टैब चेंज नहीं करना, और आपने जस्ट ये रहना campus.pk पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगेन मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग ऑनलाइन हैं, जल्दी से अपना पेज रिफ्रेश कर ले। कुछ अपडेट्स हैं जो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले अपना पेज एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले अपना पेज एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले अपना पेज एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, कि जो भी अपडेट्स हैं वो आपके सामने क्लियर हो जाएं और आपको फर्दर किसी किस्म के कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। अगर आपका टेस्ट आपको शो नहीं होता, आप टैब चेंज करते हो या campus.pk पे लॉगिन नहीं हो, तो आपके लिए पेज दोबारा से एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद ड्यूरिंग द टेस्ट अगर आप पेज रिफ्रेश करोगे, तो आपका टेस्ट गायब हो जाएगा, तो आज का दिन भी आपका डिस्ट्रॉय होगा और आप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे।
तो मेरा बेटा अगेन आप लोगों को यही बात बार बार रिपीट की जा रही है कि आपने ड्यूरिंग द टेस्ट बी कॉन्फिडेंट, अपना कैलकुलेटर अपने पास रखें, अपना पेन अपने पास रखें, और ये टाइम जेन में रखिएगा। आप स्टॉपवॉच पास रखना चाहते हैं वो रख लें, घड़ी पास रखना चाहते हैं घड़ी पास रख लें, कि आपके पास टोटल 10 मिनट का टाइम होगा और 20 एमसीक्यूज होंगे। 10 मिनट का टाइम और 20 एमसीक्यूज। चैप्टर आपको पता है चैप्टर नंबर 2 और 3 से हम लोग टेस्ट ले रहे थे। टेस्ट बहुत ही मजेदार और आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्ट टेस्ट नहीं बनाया गया कि जी ये ग्रैंड टेस्ट है तो बहुत मुश्किल टेस्ट होगा। जो चीजें आपसे बोर्ड के पेपर में पूछी जाती हैं वही चीजें हम लोगों ने आपसे पूछी हैं, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही इंक्लूड किए हैं जैसे कि आपके प्रीवियस टेस्ट होते रहे थे। और इंशाल्लाह उन लोगों को फायदा होगा जो रोज डेली क्लास लेते रहे हैं और जिन्होंने टेस्ट दिए हैं। मंडे से आप लोगों को पता है, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जैसे कि आपके पास राइट साइड पे आपको एक प्रोफाइल नजर आ रही होगी टीचर्स की, जो कि 9th क्लास के लिए लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें सारी फैकल्टी अगेन आपको विद इन द टाइम सिलेबस कंप्लीशन भी करके देगी और साथ साथ आपको टिप्स भी बताएगी कि आप नंबर कितने अच्छे और कैसे गेन कर सकते हैं, 490 से अबव कैसे ले सकते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट होने में आपके पास एग्जैक्ट 3 मिनट रह चुके हैं। 3 मिनट के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 10 मिनट का टेस्ट होगा, 20 एमसीक्यूज होंगे और सारे के सारे एमसीक्यूज आप लोगों को अटेम्प्ट करने होंगे। जो लोग यूट्यूब पे लॉगिन है या यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, बेटा आप जल्दी से campus.pk पे आके लॉगिन हो जाएं और अपना पेज एक दफा रिफ्रेश कर लें। मैं अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूं कि अपना पेज एक दफा रिफ्रेश जरूर कर लें, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले अपना पेज एक दफा जरूर रिफ्रेश कर लें। जो भी अपडेट्स हैं आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा ड्यूरिंग द टेस्ट ना तो आपने टैब चेंज करना है और ना ही आपने पेज को रिफ्रेश करना है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके सामने टेस्ट शो नहीं होगा। तो टाइम बहुत कम रह गया। विश यू अगेन गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये बहुत छोटा सा इम्तिहान है और हाँ, ये एक एक्चुअली एवेल्युएशन होती है कि आप लोगों को जो 2 चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं इसमें कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, साइंस सब्जेक्ट या आर्ट सब्जेक्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी, बाद में एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टॉपिक में क्या चीज़ बताई गई थी, तो आप लोगों के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं होते। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको न्यूमेरिकल में रिलेशंस आना चाहिए, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी टर्म कब इस्तेमाल की जाती है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए थी अपनी तैयारी करने के लिए। तो अब मेरे ख्याल में इन बातों का टाइम नहीं, 1 मिनट रह गए आपका टेस्ट स्टार्ट होने में। और कोई भी काम करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, तो अल्लाह ताला का नाम लें, दुरूद शरीफ पढ़ें और इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा होगा। विश यू अगेन गुड लक। और मैं तो चाहता हूं कि मोर देन 50 से अबव लोग इतने टेस्ट लें आपके पास, और होपफुली टेस्ट स्टार्ट होने में जस्ट 1 मिनट हमारे पास रह गया है, 5 मिनट्स। चले ऐसे कर लेते हैं, आप लोगों ने जो रिवीजन करनी है मैं कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं आप लोगों को। आप प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फार्मूलाज को अच्छे से देख लें, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इनके फार्मूलाज को अच्छे से देख लें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, इसको अच्छे से देख लें। एक्सेलरेशन जीरो है तो क्यों है, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है तो क्यों है, ये सारी चीजें आप बार बार रिवाइज कर लें। आपको ग्राफ्स जो दिए गए हैं और उन ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है वो चीज़ें देख लें। बोर्ड के एमसीक्यूज में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको देख लें। अगर ये 3-4 चीज़ें, न्यूमेरिकल रिलेशंस, फार्मूलाज, ग्राफ और बोर्ड एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं, फार्मूलाज आपको आते हैं, तो इंशाल्लाह अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपके लिए ये टेस्ट सॉल्व करना और 20 नंबर लेना कुछ मुश्किल नहीं है। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि हमारी क्लास 4:55 पे ख़त्म होती है, तो हम थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, आपको रिवीजन का कुछ और टाइम मिल जाएगा। तो हम इंशाल्लाह टेस्ट स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 मिनट, 4:35, 4:36 तक इंशाल्लाह। तो आपको दोबारा से मैं इंस्ट्रक्शंस बता दूं कि आपने ड्यूरिंग द टेस्ट ना तो टैब चेंज करना है और ना ही अपना पेज रिफ्रेश करना है। हाँ, यहाँ पे लॉग इन होने से पहले आप अपना पेज रिफ्रेश कर लें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आप लॉग इन होते हैं campus.pk पे, तो आप अपना पेज रिफ्रेश कर लें, लेकिन ड्यूरिंग द टेस्ट मेरा बेटा आप लोगों ने ना तो पेज रिफ्रेश करने और ना ही अपना टैब चेंज करने। कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर क्लेवर होने की सूरत में, आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूं कि वो टेस्ट में बुरे नंबर लेने के लिए, चीटिंग के लिए कहीं से सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आपके पास 20 एमसीक्यूज हैं, 10 मिनट का टाइम है। एक्चुअली ये हमारी इवैल्यूएशन नहीं है, ये आपकी इवैल्यूएशन है कि आपको कितना आता है।
तो फेक से बेहतर है कि आप रियलिस्टिक रहें और एमसीक्यूज अपनी एवेल्युएशन करें कि आपको कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। मैंने इवन कि आप लोगों को टॉपिक्स तक बता दिए, सिर्फ दो चैप्टर थे, इन दो चैप्टर्स में से आपका एमसीक्यूज का 20 नंबर का टेस्ट बन रहा है और इंडिविजुअली मैंने 10-10 में डिवाइड किया है कि 10 एमसीक्यूज लिए जाएंगे चैप्टर नंबर 2-3 से और चैप्टर नंबर 3 से, 10-10 मतलब 10+10=20। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स 20 ही होने चाहिए और हमें 100% लेना है, और 100% मार्क्स ही अच्छे नंबर होते हैं, इसके अलावा भी अच्छे होते हैं लेकिन जो एक्सटेंडेड माना जाता है वो 100% मार्क्स हैं। और फुली मैं अगेन दोबारा से कह दूं बेटा, जो लोग यूट्यूब पे लॉगिन है campus.pk पे आके लॉगिन हो और जल्दी से आपकी भी आपके पास 3 से 4 मिनट अपना पेज रिफ्रेश करें और आपके पास जो भी अपडेट्स आएंगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपने दोबारा पेज रिफ्रेश नहीं करना, आपने पेज दोबारा रिफ्रेश नहीं करना एक दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद और अपना टैब चेंज नहीं करना। तो अभी आपका टेस्ट विद इन सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगेन हमारे पास अभी टाइम है, आप लोग अपनी बुक देखें, उसको अच्छे से रिवाइज करें। अगर आपका कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो जल्दी से कैलकुलेटर सेपरेटली अपने पास रखें, ये ना हो कि आप अगर अपने मोबाइल से कैलकुलेटर यूज़ करना चाहो टैब चेंज होगा, जैसे ही टैब चेंज होगा आपका टेस्ट गायब हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपना मैनुअल कैलकुलेटर अपने पास रखो और उसी के साथ साथ अपना पेन और पेंसिल, ताकि जो एमसीक्यूज है मैं आपको खुद बता रहा हूँ इसमें आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें अपने पास रखें। आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होगा, 20 एमसीक्यूज हैं और उसके लिए आपके पास 10 मिनट हैं, इसलिए जो आपको सबसे आसान लगे सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करें। और अगेन विश यू गुड लक गुड लक गुड लक, आप लोगों ने पूरे नंबर लेने हैं और मैं ये स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट शो हो वो आपके पास 100% रिजल्ट हो, पूरे के पूरे नंबर आए। सो विद इन 2 or 3 minutes हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग campus.pk पे नहीं हैं, YouTube पे हैं, उनसे अगेन रिक्वेस्ट की जाती है कि आप campus.pk पे आके लॉगिन हो और अपना टेस्ट दें, campus.pk पे आके लॉगिन हो और अपना टेस्ट दें और आपने बार बार टैब चेंज नहीं करना, थोड़ी देर तक आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग वेट कर रहे हैं कि जो लोग अभी campus.pk पे आके लॉगिन नहीं वो भी हो जाए, ताकि सब टेस्ट में एट अ टाइम पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तो फिर टेस्ट शो नहीं होगा। इसलिए जो लोग campus.pk पे नहीं हैं, YouTube पे हैं, तो campus.pk campus.pk पे आके लॉगिन हो। बस अभी आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, अब तो कुछ सेकंड्स बाकी रह गए हैं, तो जल्दी से जो लोग लॉगिन नहीं हैं वो जल्दी से campus.pk पे आ जाएं। हाँ अगेन मैं दोबारा से बात करूँ, आपने अपना पेज एक दफ़ा रिफ्रेश करना है और ड्यूरिंग द टेस्ट आपने पेज अपना जो पेज है उसको रिफ्रेश नहीं करना और ना ही टैब चेंज करना है। एक दफ़ा पेज रिफ्रेश करने के बाद आपने अपना पेज रिफ्रेश नहीं करना और ना ही अपने टैब चेंज करना है, अदरवाइज आपका टेस्ट गायब हो जाएगा, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो लोग आपके पास अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे हैं बेटा वो या फेसबुक से वो देख रहे हैं, तो campus.pk पे आके आपने लॉगिन होना है ताकि आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकें। सो अभी टेस्ट थोड़ी देर में आपके सामने टेस्ट होने वाला और इंशाल्लाह मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के 100% मीन 20 out of 20 ही आएंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह, जो लोग डेली क्लासेस लेते रहे, जिन्होंने डेली टेस्ट दिए वो लोग पूरे नंबर लेंगे। विश यू अगेन गुड लक, टेस्ट टाइम हमारा मतलब बिल्कुल स्टार्ट होने वाला टेस्ट। अगेन उसी के साथ साथ आपको यही ब्रेकिंग न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़ बताई जा रही है कि 9th class के लिए हमारा लाइव सेशन चल रहा है फ्रॉम मंडे द डे आफ्टर टुमारो। तो इंशाल्लाह राइट साइड पे आपको टीचर्स की प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं, आपको डिफरेंट तस्वीरों में टीचर की प्रोफाइल नज़र आ रही हैं, ये लोग ये फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएंगी। तो आपका कोई छोटा भाई बहन कज़न जिन लोगों ने जो 9th class में पढ़ रहे हैं आप उन लोगों को बताएं फ्री ऑफ कॉस्ट campus.pk पे जाके जिस तरह आप क्लास ले रहे हैं, ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो। तो टेस्ट बेटा बिल्कुल थोड़ी ही सेकेंड्स में आपके सामने शो होने वाला है। नहीं करना और ना ही बार बार अपना टैब, एक दफा भी अपने टैब चेंज किया तो आपका टेस्ट शो नहीं होगा। जो लोग यूट्यूब पे हैं उनके लिए मैं दोबारा से अनाउंस कर रहा हूं कि टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, विद इन सेकेंड्स कुछ आपके पास सामने आपका टेस्ट शो हो जाएगा। विश यू गुड लक, आप देखते हैं कि आपके पास
आप कितने नंबर लेते हैं, 100% की उम्मीद थी तो क्या होता है, हाईएस्ट कौन स्कोर करता है आज? जी आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, जी बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज को, हर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो अब आपको नहीं पता, रबी जिदनी इल्मन नाफिया, ये आप पढ़ते जाएं और करते जाएं और इंशाल्लाह होपफुली आपके पास टेस्ट 100% लेने की पूरी ट्राई करनी है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आएंगे। आप लोगों ने पेज रिफ्रेश नहीं करना है और ना ही टैब चेंज करना है, अदरवाइज आपका टेस्ट आपको शो नहीं होगा। आपने इब्राहिम को टेस्ट शो नहीं हो रहा, आपने पेज रिफ्रेश बेटा नहीं करना। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, आप लोग लेट हो चुके हैं, आप लोगों को बताया था 4:20 पे क्लास स्टार्ट होती है, इवन के 15 मिनट्स हमने आप लोगों का वेट किया। अपने टेस्ट पे ध्यान दें, अच्छे से कंसंट्रेट करके आपने अपना टेस्ट देना है और मैं भी आपके लिए बहुत दुआ गूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को इस टेस्ट में, हर इम्तिहान में कामयाब करे। चीटिंग करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी आप लोगों ने, अगर टैब चेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट भी आपको शो नहीं होगा और आपका टेस्ट भी आपको शो नहीं होगा और ना ही आपने इस पेज को रिफ्रेश अगेन करना है। अपने कैलकुलेटर, अपना पेन ध्यान से पास रखें और अच्छे से इनको सॉल्व करें। टाइम भी गुजरता जा रहा है, टाइम पे जरूर कंसंट्रेट रखिएगा और साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। आपने पेज रिफ्रेश नहीं करना, टैब चेंज नहीं करना आप लोगों ने, अदरवाइज आपके पास, अदरवाइज आपके पास टेस्ट शो नहीं होगा। न्यूमेरिकल बहुत आसान है और एमसीक्यूज भी बहुत आसान है तो ध्यान कीजिएगा कोई गलती आपसे ना हो। नहीं, इसको मैंने सॉल्व भी नहीं किया। Thank you.
आपने टैब बिल्कुल चेंज नहीं करना टेस्ट का टाइम ख़त्म होने में, आपके बस आई थिंक सो 4:30 मिनट रह गए, 4:30। आप लोगों को बैग गिफ्ट दिया जाएगा और गिफ्ट तब दिया जाएगा जब आप लोगों ने यहाँ से 100% नंबर लेने हैं। तो आंसर ही गलत लिखा है, 2 है। नहीं ठीक है, अंडर टू है। हाँ, आप लोगों का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म होने में कुछ ही सेकंड्स रह चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को बार बार ये बात बताई जा रही है कि इवन अगर आप टेस्ट सबमिट कर देते हैं तो आप लोगों ने पेज रिफ्रेश नहीं करना, और ना ही पेज रिफ्रेश करना है, ना ही टैब चेंज करना है। बहुत आसान थे, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता चल भी गया होगा। तो अब मेरे बेटे टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है आप लोगों का, तो जैसे टाइम एंड होगा तो आप लोगों ने बिल्कुल उसको पेज को नहीं मूव करना, खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और आपके नंबर आपके सामने शो हो जाएंगे। बहुत ही आसान एमसीक्यूज थे, इवन कि अगर आप लोगों ने इसको एक एक दफ़ा पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इसके अलावा मेरे बेटे आप लोगों से जो बात बार बार की जा रही है कि आप लोगों ने ये बात रिकॉल करवा देनी है, रिमाइंड करवा देनी है कि 4 नवंबर मंडे से हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के लिए। जैसे आपके लिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लाइव सेशन से लाइव क्लासेस चलती हैं, आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर्स टाइमली मिल रहे हैं, डेली क्लास हो रही है, किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है। इसी तरह रेगुलर वे में आपके पास जो फैकल्टी एक हाई क्वालिफाइड फैकल्टी जो आपको राइट साइड पे शो हो रही है, यही टीचर्स आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो भी आपका भाई बहन रिलेटिव या फ्रेंड में से जो 9th क्लास में है तो आप उनको बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मैंने उस दिन में ये बात की थी कि अच्छा मशवरा देना भी सदका जारिया है, और अगर आप आज किसी के लिए आसानी का बायस बनेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देंगे। तो ये चीज़ें प्रमोट करने से, लोगों को बताने से, एक तो आपका एक अच्छा इमेज डेवलप होता है, दूसरा अगर किसी का फ़ायदा हो जाता है उसको नामा इमाल में लिख लिया जाता है। तो अभी आपका नामा इमाल जो एमसीक्यूज़ की फॉर्म है वो तो मेरे सामने से थोड़ी देर में शो होने वाला है। 20 एमसीक्यूज़ थे, 10 मिनट का टाइम था, और कुछ ही एमसीक्यूज़ थे जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी थे, अदरवाइज़ बाकी सारे एमसीक्यूज़ रिपीटेड इवन के एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अभी आप लोगों ने कितने नंबर लिए। तो जस्ट आई वॉन्ट टू सी द फिगर 20 out of 20, ये मेरा एक है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। एक तो आपको इल्म की दुनिया की तरफ से गिफ्ट मिलेगा हमारी तरफ से, और उसका एक एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलेगा जो 20 out of 20 लेगा। बट देखते हैं कि अभी 20 out of 20 किसके आते हैं। थोड़ी ही सेकंड्स रह चुके हैं, सेकंड्स में बात रह चुकी है, और उसके बाद आपका रिजल्ट शो होने वाला है, और हम लोग कॉल करेंगे आप लोगों को, और आप लोगों को बाकायदा लाइव ला के आपका जो इनाम है वो दिया जाएगा और सबके सामने अप्रिशिएट किया जाएगा। 7.5-8 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों को देख सकेंगे, पूरी दुनिया लाइव देख सकती है आपको कि आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया या कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, ये आपकी अचीवमेंट है, ये अप्रिसिएशन है एक छोटी सी, और ना किसी इंसान की मेहनत को इस तरह से नहीं दिया जा सकता। खैर, अल्लाह ताला मेहनत का सिला देने वाली ज़ात है, तो ये एक छोटी सी अप्रिसिएशन है, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है कि आपने इतनी मेहनत की। तो लेट्स सी कि अभी कुछ सेकंड्स के बाद वो कौन खुश नसीब हैं जिनको कॉल की जाती है और उनको यहाँ पे लाइव बुला के टेस्ट का रिज़ल्ट तो पता चल जाएगा, इनाम दिया जाएगा। होपफुली कुछ ही सेकंड्स रह चुके हैं, अब तो काउंट कर सकते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरह। सो ये देखें, बस टेस्ट आपका बिल्कुल वाइंड अप हो गया, आपके सामने रिज़ल्ट शो हो रहा है। मेरे सामने 13 आ रहे हैं जी, 11, 12,
20 out of 20 अब्दुल्ला, एक्सीलेंट बेटा अब्दुल्ला, आपसे ही मुझे उम्मीद थी कि आप ही पूरे नंबर लेंगे, और माशाल्लाह माशाल्लाह 20 out of 20 लिए हैं अब्दुल्ला ने। तो अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात अब इंशाल्लाह जल्दी होगी, हम आपको कॉल करेंगे। अब्दुल्ला आपके पास इनबॉक्स मौजूद है, आप मुझे अपना नंबर सेंड कर दें और उसके बाद हम आपको कॉल करेंगे। जी अब्दुल्ला ने लिए, ज़हीर के भी सर 20 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, और 14 वाले नंबर भी बच्चे हैं हमारे पास। कश्यप 20 out of 20, अब्दुल्ला 20 out of 20। कश्यप बेटा एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, ये चीज़ प्रूफ कर रही है कि आप लोगों के कंसर्ट्स बहुत अच्छे थे, और इवन कि आप कोई भी टेस्ट ले लेंगे अब आपके नंबर कभी नहीं इंशाल्लाह कटेंगे, आपके बोर्ड में भी पूरे के पूरे नंबर आएंगे, एक्सीलेंट। और मैं तो आपके लिए एक दफ़ा यहाँ पे खड़ा हुआ क्लैप कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, आपसे हमारी मुलाकात भी होगी, इवन के ना कि सिर्फ मेरी, आप पूरे स्टाफ से मिल सकते हैं, और लाइव हम आपके लोगों के साथ आप लोगों को गिफ्ट देंगे। और इवन अगर कोई नहीं आ सकता, हम उनके पहले तो यही कोशिश होगी कि हम आप लोगों से मिलें, और अगर आप लोग नहीं आ सकेंगे तो हमारी ये कोशिश होगी कि आप जो भी हमें एड्रेस प्रोवाइड करेंगे हम आपके घर तक आपका गिफ्ट पहुँचा देंगे। ये आपकी मेहनत थी, एक्सीलेंट बेटे। और जिन लोगों के 11, 14 भी अच्छे, 16 भी नंबर हैं हमारे पास, ये भी अच्छे नंबर हैं। बट एक्चुअली जो बात मैटर करती थी, जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैं चाहता था, जो मेरी विश थी कि आप में से कोई बच्चे 20 आउट ऑफ 20 लें, तो वो बहुत अच्छे नंबर हैं आपके पास। और जिन लोगों के बहुत कम नंबर हैं, अब्दुल वहीद या मरियम, तो या 5 नंबर आ रहे हैं, तो ये बेटा इन लोगों को बहुत बहुत मेहनत करने की जरूरत है। निमरा आपके भी बहुत कम नंबर हैं, तो बोर्ड के पेपर में यहाँ तो देखिए आपके पास बार बार ऑप्शन है, बार बार टेस्ट लेके एवेल्युएशन की जाती है कि आप किस, आप ग्राफ में कहाँ पे लाए करते हो, तो आपने पीक पे जाना है, तो पीक पे जाने के लिए आपको ये छोटे मोटे टेस्टों में भी पूरे के पूरे नंबर लेने। अब्दुल्ला दिली, मुझे बहुत खुशी हो रही है अब्दुल्ला के लिए, कश्यप के लिए, इन्होंने पूरे नंबर लिए, और इंशाल्लाह, और मेरी ये दिली ख्वाहिश एक दूसरी भी है जो आप लोगों ने पूरी की, कि हम आप लोगों से लाइव मिल सकें और अपने हाथों से अपने बच्चों को ये गिफ्ट दे सकें। और विश यू गुड लक अगेन, जो भी टेस्ट होगा होपफुली आपके इसी तरह पूरे के पूरे नंबर आएंगे। आपको बहुत 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 मेरी तरफ से मुबारक, आई लाइक जस्ट के सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, सारे स्टाफ की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारक हो कि आपने बहुत अच्छे नंबर गेन किए हैं। और जिन, और सबके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं बेटा, एक आप ये कह सकते हो कोई इसमें धांधली वाली तो बात नहीं जिसके लिए आप धरना देने के लिए बैठ जाएंगे। तो ये आपके पास 10 मिनट का टेस्ट था, और 10 मिनट के टेस्ट में इस 20 MCQs को, इतने ट्रिकी MCQs को करना, मैं इस बात को बहुत अच्छा मानता हूँ, और ये वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने मेहनत की होगी। अब्दुल्ला के लिए सबसे फायदे की बात या कश्यप के लिए ये है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डेली क्लासेस को अटेम्प्ट किया, डेली क्लासेस लेते रहे, और इन लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा कि ये वही इंपॉर्टेंट MCQs, वही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो डेली के डेली किए जाते हैं। अब्दुल्ला हम आप लोगों को, आपको कॉल करेंगे। अब्दुल्ला और कश्यप आप लोग दोनों से बेटा रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना नंबर शेयर कर दें मुझे इनबॉक्स में, और ताकि अभी हम आपको कॉल करें, मैं अभी जैसे हमारी क्लास के टाइम खत्म होता है मैं आपके नंबर पे कॉल करता हूँ, और दोबारा से फिर मुबारकबाद दी जाएगी, इंडिविजुअली बात की जाएगी, और ये आपको हमारी तरफ से एक प्रॉपरली एक इन्विटेशन दिया जा रहा है कि आप लोग हमारे पास विजिट करेंगे, हम कॉल पर आपको पूरा डिटेल एड्रेस भी बता देंगे, और इंशाल्लाह लाइव आप लोगों को गिफ्ट भी दिए जाएंगे सारे सब्जेक्ट से रेलिवेंट। और विश यू अगेन गुड लक बेटा, बहुत अच्छे, और सीरियसली होपफुली कि मुझे था कि शायद कोई एक स्टूडेंट होगा, ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि इस तरह के टेस्ट में पूरे नंबर लेना, बट एक्सीलेंट बेटा 2 या 3 स्टूडेंट, अब्दुल्ला ने, ज़हीर ने और कश्यप ने, इन तीनों ने बहुत अच्छा गेन किया टॉप। देखें दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है जो बिल्कुल टॉप में होता है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप में 3 लोग आपके सामने नजर आ रहे हैं। 20 out of 20 कोई सानी नहीं है भाई फिलहाल, तो इनका 20 out of 20 का मतलब होता है 100% नंबर लेना। और उसके बाद जिसके 16 है बेटा, आपको मजीद, अब आपको पता चल गया कि आपकी कहाँ कहाँ पर मिस्टेक थी, कौन सा पॉइंट आप लोगों को गलत लगा या मुश्किल लगा, तो आप लोगों ने वो 4 नंबर या 6 नंबर जो आप लोगों के कट चुके हैं जिसकी वजह से 20 तक नहीं पहुंच पाए, तो उस तक पहुंचने हैं। जिन लोगों के नंबर अबव 15 हैं वो बहुत अच्छे नंबर हैं, 20 वालों को तो बेटा मैंने एक्सीलेंट कह ही दी है, तो बहुत अच्छे नंबर हैं। अब्दुल्ला अगेन कंग्रेचुलेशन, कश्यप, ज़हीर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा अब्दुल्ला, मैंने आपको लाइव भी बुला लिया तो कि मैं सबके सामने बात भी कर सकूं, आपके सामने बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप अपना सिटी बता दो। मैं खाने वाले हैं।
आप खाने वाल से। तो ये तो मैं पूरे खाने वाल को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छा और टैलेंटेड बच्चा है हमारा जिसने पूरे नंबर लिए, और आपको भी बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप लाहौर आ सकते हैं? हाँ, आप मैं अबू से बात करूंगा। जी जी, आप अपने अबू से बात कीजिएगा, अगर नहीं माने आप हमारी बात भी करवा दीजिएगा। और साथ ये होगा, अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छे नंबर लिए। इसके बाद ये तला हमारे पास आ रहे 19 नंबर हैं उनके। और बेटा अगर आपको कोई आने का इशू हो तो आप अपना एड्रेस हमें बता दीजिएगा, जैसे आप हमें अपना एड्रेस बताएंगे तो हम आपको आपका एड्रेस पे आपका गिफ्ट भेज देंगे। बट मेरी ये ख्वाहिश है मैं आपसे मिल सकूँ, तो आपने कोशिश करनी है अबू से बात करके कि आपने यहाँ लाहौर आना है। चलें ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये जी हमारी अब्दुल्ला से लाइव बात भी हो चुकी है, और इंशाल्लाह वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमसे आके लाहौर में मिले और हमसे उनसे लाइव मुलाकात भी कर सकें और अप्रिशिएट भी करें। तल्हा बहुत अच्छी बात है बेटा, ये थोड़ा सा एक जर्क होता है इंसान के लिए। 19 बहुत 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 अच्छे नंबर हैं, और अगेन आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जो एक नंबर रह गया है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको ये एक नंबर वाला भी ना हो। तो हो सकता है किसी एक टॉपिक को आपने अच्छे से ना पढ़ा हो जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई है, तो आपने कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम आपके इस तरह की कोई गलती ना हो, और ताकि आप भी 20 out of 20 ले सकें। तो इंशाल्लाह अगेन इसी तरह हमारे टेस्ट होते रहेंगे, आप लोगों को ये बात बता दी जाती है। एक्चुअली आपकी एवेल्युएशन होती है, हर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, हर सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, इसी तरह 20 नंबर का हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद आप लोगों को बताए एक एक्टिविटी की जाती है जिसमें टेस्ट एवेल्युएशन होती है। हम मंडे से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी वाला। जिन लोगों के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं है वो लेक्चर्स देखें। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक टॉपिक को डिटेल में किया जाए, 5 या 7 मिनट में भी कोई टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है पूरे 35 मिनट जस्ट लाइक अ क्लास रूम आपके पूरा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि आप क्वेश्चन कर सकें, अपनी बात हम तक पहुंचा सकें, आपकी हर प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जाता, हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाता है। सो विश यू गुड लक अगेन। और मंडे की अनाउंसमेंट आपके पास जो सामने हो रही है, ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेटी ने टेस्ट दिया और बहुत अच्छे नंबर लिए, कश्यप ने 20 out of 20 आए उनके। हम इल्म की दुनिया से बात कर रहे हैं, अभी आपसे रब्ता हो गया हमारा, तो मैं एक्चुअली लाइव बात कर रहा था इसलिए मैंने आपसे लाइव बात करनी थी। हाँ सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बेटी हमारी बहुत काबिल है, उसने पूरे के पूरे नंबर लिए। बहुत मुश्किल टेस्ट था लेकिन उन्होंने पूरे नंबर लिए। सर ये बहुत अच्छी बात है, और घर में बैठे उनको एक पूरा इन्वायरमेंट मिल रहा है, घर बैठे वो क्लासेस ले रही हैं, और बच्चे की ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि क्लास में वो फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन वो पूरे नंबर ले रहे हैं। माशाल्लाह सर, ये बहुत अच्छी बात है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत दूर दूर तक ना हो, और हर बात का जवाब हर तरह के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो सर आपसे ये पूछना था कि आप बेटी को लेके हमारे पास आ सकते हैं कि हम आप लोगों से मिल सकें और इनका गिफ्ट दे सकें इनको। सर आपको लाहौर आना होगा, आप किस सिटी से हैं? चलें ठीक है सर, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं, कोई मसला, हम आपसे। सर मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, आप इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। कश्यप के नाम से बता दीजिएगा, मैं कश्यप का फादर बात करूँ। ठीक है सर, ओके सर, अगेन मुबारक हो आपको बहुत बहुत, ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी कश्यप के फादर से हमारी बात हो चुकी है, और पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है, पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि हम जब उनसे बात कर रहे होते हैं कि आपके बच्चे ने बगैर किसी ट्यूशन गए, बगैर किसी फिजिकली किसी घर से निकले, बगैर घर बैठे इतने अच्छे नंबर लेना, 100% अचीव करना, तो ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगेन जो भी टेस्ट होगा, मेरी यही कोशिश होगी कि सिर्फ 2 लोग हैं ना, तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट में पूरे के पूरे नंबर हों, ताकि हम आपको सबको सब घर में इस तरह लाइव आपके पेरेंट्स से बात हो। ये आपके पेरेंट्स के लिए बल्कि आपके लिए भी प्राउड का मोमेंट होता है कि आप अपने वालदैन के लिए एक प्राउड का सोर्स बने, उनको मतलब एक प्राउड फील होता है जी हमारे बच्चे ने, हम उस पर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते या कर रहे, तो उसके साथ 100% नंबर लेना। अगेन बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल्ला, कशिफ, आपके पेरेंट्स से भी बात होगी हमारी। हाँ ये जो
अब हम जहीर साहब के भाई से बात हुई है। जहीर साहब एक्चुअली हमारे भाई के जानने वाले हैं और वो बहुत ही मतलब देखिए टैलेंटेड स्टूडेंट, इन्होंने भी 20 out of 20 लिए हैं। तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बड़े भाई ने आपके सॉरी छोटे भाई ने 20 out of 20 नंबर लिए, तो बहुत मुबारक हो सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे भाई ने जब इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, यकीन नहीं हो रहा है, इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। एक्चुअली सर यही चीज है कि लोगों की जब एप्रिसिएशन मिलती है तो हम लोग भी बड़ा मेहनत से काम करते हैं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको घर बैठे बैठाए मिल रहे हैं, आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ रहा, आपके 100% नंबर आ रहे हैं। तो अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि बच्चे को और ज़्यादा आपने अप्रिशिएट करना है ताकि वो ज़िंदगी में और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कामयाब हो सके। और थैंक यू सो मच अगेन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सर आपसे ये पूछना था कि आप लाहौर आ सकते हैं अपना गिफ्ट लेने के लिए? जी बिल्कुल सर, मैं भाई के साथ और फादर के साथ यहाँ पे आ सकता हूँ, इशू नहीं है। चलें सर, ठीक है इंशाल्लाह। तो देखिए बच्चों हमारी अब्दुल्ला साहब से भी, कश्यप से और जहीर साहब तीनों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और लाइव हम इनको गिफ्ट देंगे। अगेन सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चले बेटा अगेन जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो 9th क्लास के लिए, ये टेस्ट तो आज का आपका ख़त्म हो गया, नेक्स्ट के लिए गुड लक। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मंडे से 9th का लाइव सेशन भी बिल्कुल इसी तरह चलेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे को हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, जो लोग न्यू हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 4 है और प्रीवियस लेक्चर्स वो अपने यूट्यूब पर देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।